सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में ना हम लोग टाइम टेबल देख लेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कहीं पर भी देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, टेलीग्राम पे देख लो और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे देख लो, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा इन अ सेंस कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है लॉकडाउन का और उसके ऊपर से खोलने का ये सारे फैसिलिटीज़ जो है या फिर बाहर निकलने का तो कोई चांसेस नहीं है हम लोग का, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए तो सब इंस्टीट्यूशंस बंद है फिलहाल, तो बाहर भी नहीं जा पाएंगे हम लोग, कुछ कर भी नहीं पाएंगे सर, तो घर पर बैठ के पढ़ना ही है। तो घर में अगर बैठ के हम लोग सारा दिन पढ़ रहे हैं तो मेरे को ना सर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है सर, कौन सा चीज़ कब करूँ ये मैं डिसाइड करके नहीं पा रहा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए देखो, दो टाइम टेबल दूंगा मैं, एक टाइम टेबल होगा एग्ज़ाम के 7 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले टाइम टेबल होगा, ठीक है। जब एग्ज़ाम होगा उसके 10 दिन या फिर 7 दिन पहले मैं एक टाइम टेबल दूंगा, वो अलग ही टाइम टेबल होगा पढ़ाई के लिए, वो अलग स्ट्रेटजी होगा, ठीक है। और अभी का जो स्ट्रेटजी है वो रेगुलर स्ट्रेटजी होगा। अभी जो है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे जो बच्चे हैं उनका ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म नहीं हुआ है, राइट, ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो लेक्चर्स अभी भी करना बाकी है, मेरा भी अपलोड करना बाकी है, तो बाकी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सबका तो सब पढ़ाई ख़त्म करके नहीं रखा है, राइट। तो सारे जो सब्जेक्ट्स ना उसको हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ेगा इन अ रेगुलर बेसिस, थोड़ा इससे करना पड़ेगा डेली। अगर डेली नहीं करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, कोर्स ख़त्म नहीं होगा। तो आज का जो ये टाइम टेबल होगा, ये टाइम टेबल आपको मतलब सही में बता रहा हूँ मैं, जुलाई अटेम्प्ट जो है ना वो फारू होने वाला है आप लोगों का, ओके। जुलाई में हो जाए एग्जामिनेशन या कभी भी अगर पोस्टपोन भी हो तो यही लेके चलना है अपने को, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है बात। अभी देखो फटाफट टाइम टेबल देख लो फटाफट, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देख लो कितना आवर्स का आउटपुट आप दे सकते हो वो देखो। इस टाइम टेबल के हिसाब से आप टोटल जो है ना 10 आवर्स का टोटल आउटपुट आप निकाल सकते हो आराम से, क्लियर है, एकदम आराम से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चे जो है 7 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। 7 बजे उठ नहीं जाते तो उठना शुरू कर दो, ठीक है। 7 AM उठो, ओके। 7 to 8 AM क्या करना है भाई, एक्सरसाइज करो, जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करते हैं मेडिटेट करो, योगा करते हैं जो बच्चे योगा करो, कुछ भी करो इन तीन में से, लेकिन मेरे को एक चाहिए सुबह कम से कम, ठीक है, 10 से लेकर 15 मिनट मिनिमम, मैं बता रहा हूँ आप लोग, कुछ भी प्रकार का एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेट कर लो या फिर योगा कर लो, कुछ भी कर लो ऑल्टरनेटिवली, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो 10 मिनट है ना पूरा दिन में इम्पैक्ट गिरेगा इसका, मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। 10 मिनट का आपका जो ये वर्कआउट होगा, एक्सरसाइज होगा, मेडिटेशन होगा या फिर योगा होगा, जो कुछ भी कर लो आप, कोई एक करना है तो ये पूरा जो है ना आपका एंटायर डे का जो स्केड्यूल है उसमें इफेक्ट होगा, याद रखना, ठीक है। फ्रेश अप हो जाना है और ब्रेकफास्ट कर लेना 7 से 8 बजे तक। और एक बात सुनो, इस टाइम टेबल के हिसाब से ना आत्मनिर्भर बनना सीख जाओ। कैसे सर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना कि मम्मी ये ब्रेकफास्ट बना के देगी तभी मेरे को जाके ब्रेकफास्ट करना है, खुद का ब्रेकफास्ट खुद बनाओ, खुद खाओ और फटाफट पढ़ने बैठ जाओ, समझ में आ रहा है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है फिलहाल 1 महीने के लिए, समझ में आ रहा है। CSET क्रैक करना है, उसके बाद 8 से 11 बजे तक एकदम एक सिटिंग में 3 घंटा उठना नहीं है, 3 घंटा रेगुलर पढ़ना है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ पाते तो 1.5 आवर के बाद 10 मिनट का मिनी शॉर्ट ब्रेक लेना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेके 3 घंटा पूरा निकालना है, क्लियर है भाई। और इसमें क्या करना है सर, इसमें देखो कल रात, देखो पिछला रात जो आपने पढ़ाई किया है ना उसका रिवीजन करना है, लगभग आधा घंटा लगेगा रिवीजन के लिए, रिवीजन करना है सबसे पहले। और मैं बता दूँ, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एंटायर लाइफ, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना रैंक के चांसेस ज़्यादा, क्लियर है। अभी देखो रिवीजन कर लेना, रिवीजन करने के बाद वीडियो लेक्चर्स जिसको देखना है, वीडियो लेक्चर्स जो पेंडिंग देख के ख़त्म करना है और नोट्स बना लेना है 3 घंटे के टाइम में, ठीक है। 11 बजे उठ जाना, 11 बजे से 12 बजे तक। अब लोग अभी तो सब लोग घर पे ही है तो मम्मी डैडी को जो भी घर पे है सबको हेल्प करना है, ठीक है। तो घर का काम निपटा लो, जिसको खाना पकाना है खाना पका लो, जिसको झाड़ू पोछा लगाना है वो कर लो, घर का काम पूरा निपटा लो 1 घंटे में, ठीक है। 12 से 1 बजे तक लंच ब्रेक हो जाएगा, लंच करने के बाद आराम से बैठो रीजनिंग लेके 1 PM से 3 PM तक, ठीक है। ये 2 घंटा रीजनिंग करना है, रीजनिंग मैं प्रैक्टिकली ले रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको कर लेना है।
रोज़ 2 घंटे करके करना, इसमें कोई कुछ ज़्यादा हेडेक नहीं है। रोज़ 2 घंटे करके करोगे तब हेडेक नहीं रहेगा। अगर आप लोग पकड़ लो हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तब हेडेक रहेगा कि मेरे को रीजनिंग नहीं आता। समझ में आ रहा है? इसके प्रैक्टिस के ऊपर होता है रीजनिंग। क्लियर है? तो रीजनिंग और वाइवा वॉइस में थोड़ा थोड़ा ऑल्टरनेटिव करके आप लोग कर सकते हो, राइट? और देखो, करंट अफेयर्स जो है ना, ये तो डेली मंत्र है। जैसे डेली मंत्र नहीं पढ़ते हम लोग, तो उस प्रकार से करंट अफेयर्स 1 घंटा कम से कम एक एक टॉपिक करके दो। अगर रोज़ तुम आप लोग ना एक एक टॉपिक भी पकड़ रहे हो, बस एक टॉपिक करके भी पकड़ रहे हो, तो एग्ज़ाम से पहले बवाल हो जाएगा करंट अफेयर्स आपका, ठीक है? इंस्टीट्यूट का PDF के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक एक टॉपिक पकड़ना है और उसमें से नोट्स बनाना है करंट अफेयर्स का। रोज़ बना के एक एक टॉपिक पकड़ लो, 1 पेज या फिर 2 पेज या फिर 3 पेज, जितना भी पेज हो पाए आप लोगों का नोट्स बनाओ, बना के रट डालो उसी दिन करंट अफेयर्स। क्लियर है भाई मेरे? उसके बाद देखो, करंट अफेयर्स तो भाई GK ही है, और क्या है, GK जैसे बचपन में नहीं पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है करंट अफेयर्स। अभी देखो, 4 PM से लेके 6 PM तक फैमिली टाइम है, ओके? शॉर्ट नैप, जिसको सोने का आदत है शाम को तो वो सो सकता है, ठीक है? तो 4 PM टू 6 PM थोड़ा एक शॉर्ट नैप ले लेना, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लियो 2 घंटे के लिए। उसके बाद 6 बजे जो बैठने वाले हो ना, नहीं उठना है 9 बजे तक, ठीक है? सुबह जो वीडियो लेक्चर्स आपने, देखो सुबह जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने बनाया ना, नोट्स बनाया, वीडियो लेक्चर्स देखा है ना, उसका जो नोट्स है वो पढ़ लेना है 6 PM से 9 PM तक, पूरा थ्योरी पेपर पूरा देना है, ठीक है? नोट्स मेड इन मॉर्निंग, क्लियर है? 9 से 10 बजे तक डिनर कर लेना 1 घंटे में। 10 टू 11 में ना फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है पूरा कम्प्लीटली, सुबह से लेके शाम तक जितना पढ़ाई हुआ है आप लोगों का, फटाफट 1 घंटे में सारा कुछ निपटा डालना है। फास्ट ट्रैक मतलब स्पीड में रिवीजन करना है सारा कुछ, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक अगर आप देखोगे बहुत कुछ कर रहे हो आप, ठीक है? तो 1 घंटे में सब कुछ निपटा देना है, क्लियर है? 11 टू 12 आपका खुद का पर्सनल टाइम है, वो आप स्पेंड करो कैसे भी, सोशल अपडेट से या फिर चैटिंग से, कुछ भी कर लो, जो करना करो 11 टू 12। 12 बजे शार्पली सो जाना है, और देर रात तक जगने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह उठ के पढ़ो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? क्योंकि आजकल के दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ क्या फ़ायदा है इसका, बता रहा हूँ मैं। आजकल अगर देखोगे ना तो सारे बंदे तो घर में ही है कि नहीं, तो क्या करते हैं वो लोग, रात रात बजे तक जगते हैं और सुबह 10 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं, है कि नहीं? तो वो परफेक्ट टाइम है आपका यूटिलाइज़ करने के लिए। आप रात को जल्दी सो जाओ, उनको करने दो जो करना है, आप रात को जल्दी सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, सोने के बाद सुबह सुबह उठो, तब कोई नहीं उठेगा, सब लोग सोए हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है? सब लोग सोए हुए रहेंगे तो, लेकिन जिनके फैमिली मेम्बर्स बहुत एक्टिव है वो तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से लेके 7 PM तक आप 7 घंटा आराम से सो सकते हो, और सुबह उठ के पढ़ लेना, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 10 आवर्स का आपका टोटल स्टडी आउटपुट निकल रहा है। 10 आवर्स मामूली नहीं होता भाई, बहुत ज़्यादा होता है पढ़ाई के लिए। समझ में आ रहा है? अगर आप CSET लेवल में 10 आवर्स पढ़ रहे हो ना, तो पॉसिबल है कि एग्जीक्यूटिव लेवल में 12 to 13 आवर्स आप पढ़ पाओगे। ये पॉसिबिलिटी है अगर आप 10 आवर्स दे रहे हो CSET में। एग्जीक्यूटिव में बहुत पढ़ाई करना है भाई, तो ये जो टाइम टेबल है ना ये फॉलो करना है सबको। और ये टाइम टेबल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सबको डाउनलोड कर लेना है। कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ओके? और कोई भी किसी प्रकार का अगर मैं हेल्प कर सकूं तो मेरे को बताना कि सर इस प्रकार से आप हेल्प कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। तो जिन बच्चों ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, और सुनो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पे मैं हूँ, तो आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। वहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, ठीक है? कोई भी आपको पर्सनल इश्यूज है पढ़ाई को लेके, किसी भी प्रकार का एक सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है? जिससे आपको मदद होगा फॉर कोपिंग अप विद द एनवायरनमेंट। क्लियर है भाई मेरे? ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।